डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सेवन है, एक्सरसाइज 45। यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो ऑलरेडी आप लोग डिवाइड तो जानते ही हैं, क्लास थ्री से ही डिवाइड इससे पहले भी शुरू हो जाता है, क्लास टू, क्लास थ्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स। यहाँ पर इसको डिवाइड करना है सेवन से, तो सेवन से इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले ही पॉइंट दिया हुआ है 161, तो पहले हम पॉइंट लगा देते हैं, जीरो पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर, जैसे कि वन नंबर नीचे आता है उसी तरह से एक नंबर लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर नहीं जा रहा है, तो फर्स्ट नंबर वन है तो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक जीरो यहाँ पे लगेगा, उसके बाद इसका दूसरा नंबर चढ़ेगा। तो दूसरा नंबर, अब दो नंबर हम ले सकते हैं, तो सेवन टू जा कितना हो गया, 14 हो रहा है। सेवन थ्री जा जाएंगे तो 21 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो सेवन टू जा 14 हो गया, तो 14 इसके नीचे लिख लेते हैं, टू बचा, यहाँ कट गया, एक नंबर नीचे आया, तो सेवन थ्री जा 21 कट रहा है, तो यहाँ काट देते हैं इसको, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 0.023। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है एट नंबर से इसको डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये, तो 37.44। तो यहाँ पे ये तो जाएगा ही, एट फोर जा 32, एट फाइव जा 40 हो जाता है, तो फोर जा 32 जा रहा है इसको। यहाँ पे सेवन में टू गया, तो यहाँ पे फाइव आ गया, अब यहाँ पे कट गया। अब जो है पॉइंट के आगे हम ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, तो हमको पॉइंट यहाँ लगा देना होगा। कितने बार में जा रहा है, 8 7 जा 56 होता है, तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, यहाँ पे 14 हो गया 8, तो यहाँ 6 हो गया और ये कट गया। फिर एक लेते हैं 4, तो 8 8 जा 64 होता है, ये 8 बार में गया, 64 दिया यहाँ पे, ये कट गया, कंप्लीट हो गया, ये 4.68, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट आगे दिया हुआ है, यहाँ पे सेवन से इसको डिवाइड करना है, तो सेवन से इसको करते हैं 43.82, ये हो गया। तो सबसे पहले ये जाएगा, 7 6 जा 42 होता है, 6 बार में जा रहा है, तो 7 6 जा 42 बच गया 1, ये तो कट गया, और यहाँ पे पॉइंट वाला ले रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ लगा देते हैं 8, 7 2 जा 14, 2 बार में जाएगा 14, कितना बचा 4, ये कट गया। अब यहाँ पे 2, तो 7 6 जा 42, ये तो कट गया 42, ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे एट नंबर में 9 से इसको डिवाइड देना है, 9 8.19, यहाँ पे ये छोटा है, मतलब इसको हम नहीं ले जा सकते हैं, तो हमको पॉइंट तक जाना होगा, तो यहाँ पे पहले ही 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया है, यहाँ पे 6.26, ये इसका आंसर हो गया है, और यहाँ पे इसको पहले ही 0 लगा दिए हैं, 0 पॉइंट लगा दिए हैं, तो इसको इसको लेना है, तो 9 9 जा 81 हो गया, 81 कट गया। उसके बाद ये 9 नीचे आया, तो कितना हो गया, 9 1 जा 9, ये हो गया, कट गया, ये इसका आंसर आ गया 0.91, ये इसका आंसर हो जाएगा।